नमस्कार, मैं कंचन सिंह राजपूत के केआर न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में वैक्सीन महाअभियान के तहत जबलपुर के लाल बहादुर शास्त्री वार्ड में मुस्लिम बस्तियों में कोरोना वैक्सीन लगाने का अभियान चलाया गया। इस अभियान में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में रहने वाले सभी मुस्लिम नागरिकों ने वैक्सीन के इस महाअभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और कोरोना वैक्सीन को लगवाया। वैक्सीन महाअभियान में क्षेत्र के विधायक लखन घनघोरिया सहित अन्य जन प्रतिनिधि शामिल थे। राज्य और केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे वैक्सीन महाअभियान के लिए जनप्रतिनिधि सहित अन्य लोग भी सरकार के इस कदम की पूरी प्रशंसा कर रहे हैं। वैक्सीन महाअभियान के चलते जगह जगह वैक्सीन की कमी भी देखी जा रही है, लेकिन कभी के बावजूद मुस्लिम नागरिक वैक्सीन लगवाने का अपना उत्साह दिखा रहे हैं। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। आज लाल बहादुर शास्त्री वार्ड में सोलाकाट मदरसा कादरिया रजविया कासमिया में वैक्सीनेशन शिविर लगाया गया, जिसमें मुस्लिम बहुल क्षेत्र के तमाम लोग उत्साहित होकर के वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। उनका मकसद है स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, उसको देखते हुए पूरे मुस्लिम बहुल क्षेत्र में लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ भी मौलाना अकबर अली मिसवाही साहब, मौलाना अब्दुल मजीद साहब, मौलाना शकील अहमद साहब, इन्होंने भी वैक्सीन लगाकर लोगों को संदेश दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन कराएं, जो मध्य प्रदेश सरकार की गाइडलाइन है उसका पालन करें। अभी कितने लोगों ने वैक्सीन लगवा ली? अभी 300 लोगों की एंट्री है वैक्सीनेशन। अभी वैक्सीन कम आई है, अब अभी हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया तहसीलदार साहब से कम 500 वैक्सीन यहाँ पहुँचाएँ, ताकि लोगों को जितने लोग अभी एंट्री हो चुकी है, अभी 12:30 बजे है, अभी 350 लोगों की एंट्री हो चुकी है, कम से कम 500-700 लोग हो जाएंगे। कितने लोगों का टारगेट रखा है यहाँ पर? तो हमने करीब 1000 लोगों का टारगेट रखे थे, लेकिन वैक्सीन ना होने के कारण अभी जो है हम लोग ने रोक दिया है। आज शास्त्री वार्ड में पार्षद गुलाम हुसैन के सौजन्य से एक वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन हुआ है। घनी बस्तियों में सबसे ज़्यादा आवश्यकता वैक्सीनेशन की है, वैक्सीनेशन के प्रति लोग जागरूक रहें, ये हर व्यक्ति का अपना दायित्व है, क्योंकि वैश्विक महामारी कोरोना से इसकी पूरी त्रासदी सब लोगों ने बहुत अच्छे से देख ली और झेल लिया है। एकमात्र उपाय, एकमात्र उपचार यदि कोई है वो वैक्सीनेशन है, वैक्सीन का। इसलिए सरकार की जो भी व्यवस्थाएं हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मध्य प्रदेश की सरकार भी और देश की सरकार वैक्सीनेशन के शिविर मुफ्त आयोजित कर रही है। सुप्रीम कोर्ट को मैं इस बात के लिए धन्यवाद भी देना चाहता कि उनने देश के पूरे हालात को अच्छे से समझा और पूरी तरीके से संवेदनशीलता दिखाई। आम जनमानस तक और विशेष करके घनी बस्ती तक लोगों में जागरूकता आए, इसके लिए सभी नौजवानों से आह्वान भी करना चाहता हूँ कि ये काम सबका अपना निजी काम है। हम सुरक्षित रहेंगे तो सब कुछ सुरक्षित है, जी है तो जहान है, इसलिए वैक्सीनेशन का काम अच्छे से करें, प्रचार प्रसार में कोई कोताही न बरतें और हर बस्ती में वैक्सीनेशन हो इसके प्रयास करें। आपके क्षेत्र में काफ़ी रुझान है वैक्सीन को लेकर, काफ़ी लोग आ रहे हैं, वैक्सीन कम पड़ रही है? पूरे देश में वैक्सीन कम है, जितनी है उतने में लोग काम चला रहे हैं। कोशिश है हमारी और सुप्रीम कोर्ट का निर्देश भी है कि वैक्सीन से कोई वंचित ना रहे, और हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में हर जगह ये उपलब्ध हो जाए। आपके क्षेत्र में काफ़ी लोग मतलब इससे जागरूक हैं, लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं,
आपने काफी अच्छा प्रयास किया आपके क्षेत्र में लोगों को जागरूक। ये सब लोगों का सम्मिलित प्रयास था और ये तमाम लोगों ने देख भी लिया है। पिछला सवा साल डेढ़ साल का धर्म समय उस बीच में क्या क्या लोगों ने भोगा है और इसलिए भी एक जागरूकता लोगों में है और सम्मिलित रूप से सारे हमारे कार्यकर्ता इसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं, उनको भी मैं साधुवाद देना चाहता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।